उदयपुर अमरावती ये दोनों हत्याकांड को अंजाम देने वालों के तार पीएफआई से ही जुड़े मिले थे। प्रवीण हत्याकांड के तार भी पीएफआई के मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। फरवरी के महीने में कर्नाटक में हिजाब विवाद उठा था, याद है आपको? हिजाब के समर्थन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किए थे। अब बीजेपी नेता इन्हीं पर प्रवीण नेटारू की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने ये आरोप लगाया है कि प्रवीण की हत्या के पीछे हिजाब को लेकर प्रदर्शन करने वाले संगठनों का हाथ है। आशंका है कि हमलावर केरल से आए थे और हत्या के बाद केरल ही भाग गए। केरल ही पीएफआई का सबसे बड़ा गढ़ है। हत्याकांड से जुड़े पीएफआई कनेक्शन पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, समझ के लिए समझिए। बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या में शक की सुई अगर पीएफआई की तरफ घूम रही है तो उसकी वजह बहुत सारी है। दरअसल केरल राज्य पीएफआई का गढ़ है। जिस इलाके में प्रवीण की हत्या हुई वो केरल की सीमा के नजदीक है। हत्यारे जिस बाइक से आए उसका रजिस्ट्रेशन केरल का था। पुलिस का अंदाजा है कि हत्या के बाद हत्यारे केरल भाग गए होंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री भी अंदेशा जता चुके हैं कि हत्या के पीछे हिजाब समर्थक प्रदर्शन करने वाले पीएफआई के कार्यकर्ताओं का हाथ हो सकता है। कर्नाटक पुलिस केरल की मदद लेकर मामले की जांच अब करेगी। बीजेपी खुलकर कह रही है कि हत्या के पीछे सीधे सीधे पीएफआई का हाथ है। इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। गला काटने वालों के तार अब से पहले भी पीएफआई से जुड़े मिले हैं। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज मोहम्मद अत्तारी और मोहम्मद गौस पीएफआई के एक्टिव सदस्यों के संपर्क में थे। सिर तन से जुदा कर नारा लगाने वाला एक मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती भी पीएफआई कार्यकर्ताओं के संपर्क में था। अमरावती हत्याकांड में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। अमरावती हत्याकांड में भी एनएआई ने पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष सोहेल नदवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। इसे सहयोग नहीं कहा जा सकता कि देश में जहां भी हिंसक प्रदर्शन होते हैं या सिर तन से जुदा करने का नारा दिया जाता है उन लोगों का कनेक्शन पीएफआई से निकलता है। गला काटने वाले गैंग के निशाने पर ऐसे लोग हैं जो नुपुर शर्मा कन्हैया लाल के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को धमकी मिली है। इस धमकी में लिखा है कि अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी सिर तन से जुदा करेंगे जल्दी ही। वकील विनीत जिंदल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी है। सवाल यह है कि धमकी मिली क्यों? तो इसका जवाब है, वकील विनीत जिंदल ने अजमेर दरगाह से जुड़े खादिम और अंजुमन कमेटी के सचिव आदिल चिश्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अजमेर दरगाह के चिश्तियों का कनेक्शन भी पीएफआई से मिला है। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कनेक्शन होने का आरोप लगा है। यानी जहां भी गला काटने सिर तन से जुदा करने की धमकी होती है उसके तार पीएफआई से जरूर जुड़े हुए होते हैं। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।